जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे और मेरी फ़्लाइट है आज यहाँ से। और यहाँ पे मेरे साथ मेरे को एक और फ्रेंड आई है मेरे साथ, मैंने उसे 4 लोगों को बताया था कि मैं निकलने वाला हूँ। उसमें से 2 जने की तो कल फ़्लाइट थी तो वो निकल गए, अजरबैजान जाना था उनको तो वहाँ निकल गए, और एक जने को मैंने बताया वो मुंबई में है तो वो यहाँ पर आ नहीं सकता, और एक को मेरे फ्रेंड थी जयपुर से उसको पता है मैं आज आने वाला हूँ तो यहाँ पर वो मेरा वेट कर रही है वहाँ पर जहाँ से स्टार्टिंग बोर्डिंग होगा। और अभी 5 घंटे तो ये बोर्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, पर आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो वहीं पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से मेरी फ़्लाइट है आधे घंटे बाद, अभी 5 बजे हैं और 6 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। उन्होंने बोला अलाउड है, उनसे पूछा मैंने। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मेरे को एंट्री मिल गई है 4 घंटे पहले, पर अभी मुझे पता चला कि 3 घंटे पहले तक बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा तो मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शायद मैं कुछ खा लूँगा या फिर थोड़ा घूम लूँगा, पहली बार एयरपोर्ट आया हूँ तो 3 घंटे तक देखते हैं 3 घंटे पहले तक मैं क्या करता हूँ यहाँ पर। मैं अभी वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ से फ़्लाइट की बोर्डिंग का गेट जो यहाँ पर खुलता है अभी 1 घंटे बाद खुलेगा, क्योंकि टोटल 2 घंटे बाकी और फ़्लाइट से 1 घंटे पहले गेट खुलता है। यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो मैं फ़्लाइट जब मैं एयरपोर्ट के अंदर आया उसके बाद में वहाँ पे काउंटर भी गया पूछने के लिए बोर्डिंग पास करने के लिए, उन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद मिलेगा। तो मैं वहाँ से कहीं इधर उधर घूमने फिरने खाने चला गया, 15 मिनट बाद आया मैं, 15 मिनट में आया इतने में देखा कि वहाँ तो लंबी लाइन लगी है। मेरे को सर ये बताता कौन है कि बोर्डिंग कब स्टार्ट होती है, नहीं मुझे तो कोई आइडिया नहीं, कोई मैसेज भी नहीं आया कि स्टार्ट हो गई है। फिर मैं वहाँ से मैंने अपना पास लिया और मेरा कोई स्कूल का जूनियर था वही बोर्डिंग करवा रहा था वहाँ पे काम करता है, अच्छा वो जानने वाला मिल गया, उसने बोला है कि वो ऊपर मिलेगा। उसके बाद मैं गया अपना इमिग्रेशन कराने के लिए, तो इमिग्रेशन के लिए मैंने अपना उनको दिया अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिया, बीच हाउसी में था उन्होंने चेक किया, 10 मिनट में हो गया। फिर सिक्योरिटी चेकिंग में मैं थोड़ा देख रहा था कब पानी निकालना होता है बोर्डिंग में से, पानी तो बोर्डिंग में भूल गया था। फिर देखा मैंने और कुछ कॉइन्स तो मेरे बैग में रह गए थे मेटल का सामान, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या निकालना होता है क्या नहीं, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर हो गया क्योंकि ऐसा कुछ तो कैरी में कर ही नहीं गया था, सिर्फ जो घूमने फिरने का सामान है वो सभी था। और मेरे GoPro के जो ट्राइपॉड उसमें भी एक स्क्रू लगा हुआ था, मैं सोचा था उसको कोई बता देखे या वो नहीं लगाने के तो मैं ट्राइपॉड पर अटैच कैसे करूँगा, तो सारा काम हो गया। कोई भी इतना ज़्यादा हैसल भी नहीं है क्योंकि साउथ एशिया में इतना कोई टिपिकल नहीं देखते हैं, या मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि वहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट पर कितना सीरियसली चेकअप होता है। और यहाँ पर अभी आधे घंटे लॉन्च वगैरह में घूमता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो ये है यहाँ का वेटिंग एरिया, निकलते हैं जल्दी से अपने होटल में पहुँचते हैं। तो इसी बार मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया और पहली बार फ्लाइट ली होगी तो इंटरनेशनल, तो ये तो अलग ही फीलिंग है क्योंकि जो करना होता है ना बेस्ट ही करूँगा बिल्कुल जैसे ही पहले डोरेमोन वगैरह में पानी पीने का देखते थे, फुल डोरेमोन का जैसा बनता है ना जैसे वो पानी पीता है अपने उसके अंदर, तो साउथ एशिया भी था तो यहाँ से मैंने थाईलैंड में ही देखना स्टार्ट किया कि पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट पर, बाकी देखते हैं यहाँ पे टाइम कितना लगता है। वैसे तो मेरा वीज़ा है पहले से तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो मैंने सुना कि 12 घंटे लगते हैं वीज़ा अराइवल लेने में, तो अच्छा हुआ मैं दिल्ली जाके आ गया, मुझे 24 घंटे लगे वीज़ा लेने के अंदर, पर दिल्ली घूम भी लिया और यहाँ पर मेरे 12 घंटे से हो जाएंगे और आराम से होटल जाके सोऊंगा और सीधा घर निकलूँगा, घर के अपने होटल निकलूँगा और वही घर होगा मेरे यहाँ पे। देख रहे हो पहले से वीज़ा लाने का फ़ायदा, पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है और हम कुछ 4-5 जने ही थे पूरी फ़्लाइट के अंदर जो वीज़ा लेके आए थे, ये फ़ायदा होता है पहले से सारा काम करने का। जिला तो मैं काफ़ी, लेकिन अब मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये थाईलैंड के अंदर इमिग्रेशन से मैं निकल गया हूँ अपना बोर्डिंग पास दिखा के और वीज़ा दिखा के,
पता ही नहीं पड़ा कि यहाँ पे जो मैं वहाँ पे इतने दिन तक परेशान होगा उसका फ़ायदा मुझे अब हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। ये एयरपोर्ट है थाईलैंड, एंट्री कर गए हैं। ये मैं एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे थाईलैंड का, मैंने पूरा एयरपोर्ट देखा है यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आप सीन वगैरह ले सकते हो, और वहाँ पे सैंडलैंड भी था वहाँ पे, तो अगर कुछ खाने का तो यहीं पे भी खा सकते हो। और ये सिम वगैरह एक्सचेंज करने का जहाँ पे मैंने किसी ब्लॉगर का दिखा था, उसने यहाँ से अपने सिम ली थी, तो मैं यहाँ से नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को टाइम है काफ़ी, मैं सुबह पहुँचा हूँ तो सुबह सैंडलैंड पर जा कर ले सकता हूँ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं थाईलैंड के अंदर, पर अभी तो बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि दूसरी कंट्री में हूँ। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि पहली बार इंडिया के बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ, देखते हैं आगे जाए कोई दिक्कत होती कि नहीं होती। तो ये आ गए हम बस के ऊपर, देखते हैं यहाँ से बस कब तक मिलती है। और ये मैं इंडिया के बाहर फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग है, पढ़ाई बस होता है यहाँ पर। मुझे बोला था थाईलैंड में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पर भाई बहुत ज़्यादा ऊपर से होती है। अभी मेरे को अपना जैकेट वगैरह रिमूव करना पड़ेगा। मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर कैसे फीलिंग आ गई थी, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ से मैं फ्लाइट से निकला, तो फ्लाइट से निकलते ही वहाँ पे कुछ जगह पे थोड़ा बहुत होता ना जहाँ पे कनेक्ट होती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत लीक हो रही थी एयर वगैरह, तो मेरे को फील हुआ क्या ऐसा ही होगा। और बाहर आते सुबह सुबह यहाँ पे इस टाइम पर भी ऐसा ही हो रहा है, तो देखते हैं मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करता हूँ। कि अभी सुबह यहाँ पे ये हालत दिन के टाइम में कितना होता होगा, आई डोंट नो यार, मैं कैसे कर पाऊँगा यहाँ पे। एक वो भी एक महीने तक, एक महीने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, तो चलो देखते हैं बस वगैरह का लोकेशन वगैरह देखते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ मैं। तो ये है थाईलैंड, बिल्कुल इंडिया से लग रहा है अभी भी, थोड़ा चेंज है, क्या पता एयरपोर्ट कैसा होता होगा वहाँ पर, थोड़ा चेंज है तो ठीक है। इको सिटी के अंदर जाने के बाद ही पता लगता है। यहाँ तक तो मुझे दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है भाई, दिल्ली का ये जो मेट्रो वगैरह हो गया, पिलर्स हो गया, तभी असली असली जगह तो विलेज में को पंगाम वगैरह हो गए, वहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा रियल थाईलैंड क्या है, क्योंकि सिटी लाइफ में तो बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि हर जगह सिटी एक जैसी लगती है। चलो मैं यहाँ से बस पकड़ता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ये वाला है यहाँ पर A1, A2, A3, A4, ये सब मैं ऑनलाइन देख कर ही आया था। मैं ये वाली ए सी लूँगा क्योंकि मेरा हॉस्टल है यहाँ पे, बोर्डेगा तो पड़ेगा ये लुम्पिनी पार्क, ये सेंट्रल रोड में कहीं रहता हूँ, मुझे सब कुछ पास ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पर बस का वेट करते करते रात से शुरू हो गई है, क्योंकि तो बस यहाँ पे एक आगे तो गई है, सुबह ही हो गई, मैं ताकि सुबह तक तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। रात पर वो दूसरे बस मेरे को जाना नहीं था, काफ़ी लोग चले भी गए उस पर, बस एक बस का जाना है, रात में आप जो होटल वगैरह बुक करना होता है बुकिंग होती है इसी के अंदर आती है। ये देखो मेरे सामने एक और बस निकल गई है, और ये बस भी वहाँ नहीं जाएगी, ये A2 का टाइम है 6:20 पर, ये देखो 6:20 का टाइम था और फिक्स 6:20 का आई है A2।
तो अब अभी बस 6:30 का टाइम है, उस पर मेरी 6:50 का है, देखते हैं टाइमिंग कितनी सही होती है। यहीं पे एयरपोर्ट के बाहर ही बैठे बैठे बस स्टैंड पर ही मुझे एक और दोस्त मिल गया और कल हम लोग साथ में घूमने जाएंगे। आज तो मेरा अलग हॉस्टल है, इनका अलग हॉस्टल, लेकिन कल तो मैं भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है शाम को शायद, हाँ शाम को शायद घूम सकते हैं, पर कल तो कन्फर्म हो ही जाएगा क्योंकि मेरा मेडमन की हॉस्टल है और इनका स्लम्बर पार्टी हॉस्टल है जो बहुत ही एकदम पास पास में। ओके वो ये लो ये भाई निकल गया अपना, बस जिसकी बस भी आ गई है और टाइम ही देख लो, ये बस थोड़ी सी लेट हो गई यहाँ पे, पर फिर भी 3 मिनट लेट तो यार लेट थोड़ी होता है, पर इतना फिक्स टाइमिंग है यहाँ पर, ये कभी एयरपोर्ट आ गई। ये होते हैं इंडिया के बाहर के दोस्त बनाने का फ़ायदा, ये अराउंड 80 बात है मेरे पास, यही फ़ायदा होता है इंडिया के बाहर के दोस्त बनाने का। अब मैं तो लेट तो पड़ेगी नहीं, 80 बात तो नहीं मिल पाता था, नहीं हुए मैं अपने मौसम को बहुत अच्छा की मेरे पास 1000 बात ही है, तो सही तो बना कि इंडिया के बाहर भी काम आ रहे हैं ट्रेवल करने के लिए। लो भाई ये तो टाइम देखो 45 और ये 6:50 की बस थी, पर ये देखो मेरी एसी बस पहले ही आ गई है, ये है थाईलैंड के अंदर वेलकम हुआ है। A1 A1 लुम्बिनी पार्क, लुम्बिनी पार्क कैसे चेंज ऑफ